नमस्कार, कॉटन कॉम्प्लेक्स मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज शुक्रवार 7 जनवरी। सबसे पहले वेबिनार अपडेट की अगर हम बात करें तो कल आपके लिए हम कॉटन कॉम्प्लेक्स के ऊपर एक वेबिनार का आयोजन कर रहे हैं। शनिवार 8 जनवरी 11 बजे ये वेबिनार रहेगा। इस वेबिनार में हम फंडामेंटल, टेक्निकल और देखेंगे 2021 के अंदर जिस ढंग से जबरदस्त तेजी हमने कॉटन में आते हुए देखी, क्या ये 2022 में कंटिन्यू रहेगी। वेदर डिस्टर्बेंस की वजह से जो प्रोडक्शन के आंकलन आ रहे हैं वो काफी ड्रॉप होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते हमें लगता है प्राइजेस के अंदर एक बड़ा मूवमेंट आना चाहिए था, वो ऑलमोस्ट आ चुका है। तो आगे क्या सीनरी, ये चीज समझने के लिए आप नीचे दिए गए लिंक पे आप रजिस्टर करके कल के इस वेबिनार में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। साथ में कल 3 बजे हम कॉटन कॉम्प्लेक्स के साथ साथ कॉटन सीजनैलिटी और कॉटन रेशियो के ऊपर भी हम एक प्रेजेंटेशन रखेंगे, जिससे हमें ये पता चलता है कि कौन सी ऐसी कमोडिटी है जो जनवरी 2022 के अंदर एक अच्छा आउट परफॉर्मिंग रिटर्न दे सकती है। दोनों ही वेबिनार में पार्टिसिपेट करने के लिए नीचे दिए लिंक पे आप रजिस्टर कीजिए। कल के सेशन की अगर हम बात करें तो काफी बड़ी वॉलेटिलिटी मार्केट में बनी हुई है। खास करके कॉटन जनवरी वायदे की बात करें तो कल के सेशन में हमने करीबन 2% की तेजी प्राइजेस के अंदर आते हुए देखा। कल थोड़ा बहुत असमंजस वाला सिनेरियो बना हुआ था, जैसे कि हम जानते हैं कि काफी एसोसिएशन ने मांग की है कि फ्यूचर्स को बंद कर दिया जाए, बट उसके बावजूद हम देखें तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर तेजी के रुख के चलते हमने डोमेस्टिक मार्केट में भी प्राइजेस में जंप आते हुए देखा। साथ में हमने पिछले कुछ दिनों में हमने ये भी देखा कि महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान इन सभी जगह पे बारिश होने की वजह से काफी फसल वापस डैमेज होते हुए दिखाई दे रही है, जो कहीं ना कहीं प्राइजेस को सपोर्ट कर रही है। कॉटन सीड ऑयल केक में कल हमने जबरदस्त मूवमेंट आते हुए देखा। 3240 से प्राइजेस ने 3200 का लो ऑलमोस्ट मारते हुए दिखा और लोअर लेवल से 200 रुपए की जबरदस्त तेजी हमने बनते हुए देखी। हाजिर मार्केट में स्टॉक कम होने की वजह से हाजिर मार्केट अभी भी तेज चल रहा है, जबकि फ्यूचर वॉलेटाइल के साथ ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, बट कंटेंट अभी भी पॉजिटिव है। इंटरनेशनल मार्केट में हमने थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखा, जिसका असर डोमेस्टिक मार्केट पे थोड़ा पड़ता हुआ जरूर दिखा दे, बट ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा आज के सेशन के लिए कॉटन और कॉटन से ऑयल केक के अंदर। कल जो शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बाइंग थी वो आज भी कंटिन्यू रहेगी। नए फंडामेंटल्स की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट हमने देखा जो इन्वेंट्री हाइज पे बनी हुई है वो भी हमने काफी ड्रॉप होते हुए देखा, और 2021-22 की भी जो क्रॉप साइज बताई जा रही है उसमें भी काफी कमी बताई जा रही है, जिसके चलते प्राइजेस को सपोर्ट मिल रहा है। चार्टिकली अगर हम एमसीएक्स कॉटन की बात करें तो इनिशियली हमने 36390 का लेवल छूने के बाद 33980 तक का भी लेवल छूते हुए देखा, बट प्राइजेस ने फिर से रिकवर दिखा दिया है। एज ऑफ नाउ हमें लगता है जब तक प्राइजेस 34200 के ऊपर मेंटेन है, 36400 से लेके 37000 तक के भी लेवल दिखा सकती है। चार्टिकली मार्केट में वॉलेटिलिटी कंटिन्यू बनी रहेगी। वहीं आइस कॉटन की भी अगर हम बात करें तो प्राइजेस ने करीबन 117 सेंट दिखाने के बाद थोड़ा पुलबैक जरूर दिखाया है, बट ओवरऑल जब तक प्राइजेस 113 सेंट के ऊपर मेंटेन है ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा, जो 119 सेंट तक का लेवल दिखा दे। वहीं आइस कॉटन के बाद अगर हम कॉटन सीड ऑयल के जनवरी वायदे की बात करें तो कप एंड हैंडल फॉर्मेशन था, जिसके चलते हमारी उम्मीद 3200 तक की थी। कल हमने देखा प्राइजेस में थोड़ा पुलबैक आया, बट वापस रिकवरी होकर 3360 का इंपॉर्टेंट लेवल है, ब्रेक कर चुका है, होल्ड कर रहा है। पुलबैक पे ही लेके चलना चाहिए जो ऊपर में 3660 का अगला लेवल रहेगा। जब तक प्राइजेस 3120 के ऊपर है ट्रेंड तो पॉजिटिव है, पर टेक्निकली ओवरबॉट होने की वजह से थोड़ा संभल के ट्रेड करना है। आज भी मार्केट वॉलेटाइल रहेगा, लेकिन ध्यान रखिए 3420 के ऊपर बाय कीजिए 3490 के टारगेट के लिए 3370 के स्टॉप लॉस से। ओवरऑल बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति है, टेक्निकली ओवरबॉट है, क्वांटिटी कम रखिए, वॉलेटिलिटी ऐसे ही बनी हुई चलेगी। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए।